वास्तु के अनुसार घर में किन मुख्य सामग्री को रखने से वा किन वास्तु के नियमों का पालन करने से घर के अनेकों प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है, साथ ही साथ घर के सदस्य जो मुखिया हैं उनकी प्रत्येक समस्याओं से उन्हें छुटकारा किस प्रकार से मिले, किस नियम का पालन करने से उनके व्यवसाय रोजगार में उन्नति हो सके, इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको सही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो सके। नमस्कार, मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ। जैसा कि आप सभी को पता है कि वास्तु व्यक्ति के आर्थिक पारिवारिक व गृहस्थ जीवन में अनेकों प्रकार के अवरोध को उत्पन्न करता है। ऐसे में अगर वास्तु के अनुरूप अगर हम अपनी जीवन यापन को संचालित करते हैं व अपने घर के वस्तुओं को व्यवस्थित रखते हैं तो यह आपके जीवन में अनेकों प्रकार से लाभ पहुंचाएगा। तो ऐसे में वह क्या कुछ ऐसा नियम है, वह क्या कुछ ऐसे वास्तु की प्रक्रिया है व किन विशेष बातों का ध्यान रखने से घर का मुखिया भी व्यवस्थित होगा और घर के प्रत्येक सदस्य जो है खुशहाल रहेंगे। सबसे पहला उपाय, अगर जिसके घर में अशांति का माहौल बना रहता हो, सबकी उम्मीद कल्पना क्या होता है कि घर में सुख हो, शांति हो, धन हो और शांति ना हो तो यह किसी को सुख नहीं देता है, लेकिन अगर शांति हो, थोड़ा धन हो तो लोगों को अनेकों प्रकार से सुख देता है। तो ऐसे में अगर जिस घर में सदैव अशांति का माहौल बना रहता है, अनेकों प्रकार की समस्याएं बनी रहती है व घर का जो मुखिया है वह पीड़ित रहता है, तो ऐसे परिस्थिति में एक तांबे के लोटे में शुद्ध हल्दी यानी घर की पिसी हुई हल्दी पाउडर को जल में मिला करके पान के पत्ते व दुर्वा से, या तो पान का पत्ता या 11-21 दुर्वा का अच्छा सा मोदक बना लें और उससे उसके माध्यम से उस जल को पूरे घर में सिंचन करें। ऐसा करने से घर का जो मुखिया होगा वह व्यवस्थित होगा, सुखमय होगा और उसके द्वारा पूरे परिवार के मध्य प्रेम मधुर व शांति का माहौल बना रहेगा। द्वितीय उपाय, अगर आपके घर में धार्मिक पुस्तकें रखी हुई हों तो उसके लिए विशेष रूप से यह ध्यान दें कि वह धार्मिक पुस्तक गलत दिशा में ना हो, गलत स्थान में ना हो। जैसे अक्सर लोग रामायण की बुक अपने रामायण या महाभारत की बुक लोग पढ़ने के उद्देश्य से, अध्ययन के उद्देश्य से बेडरूम में रख देते हैं, बेड पे रख देते हैं, या जैसे हनुमान चालीसा हो गया, शिव चालीसा हो गया, किसी भी प्रकार का कोई स्तुति का बुक हो उसे बेड पे ना रखें, अपने बेड कक्ष में ना, शयन कक्ष में ना रखें। इसके लिए घर का उत्तर पूर्व दिशा सबसे शुभ माना गया है। किसी भी प्रकार का वो छोटा या बड़ा धार्मिक पुस्तक को घर के उत्तर पूर्व में रखेंगे तो यह आपके परिवार पे सदैव सात्विक प्रभाव बनाए रखेगा। अन्यथा जिसके घर में धार्मिक पुस्तकें अव्यवस्थित तरीके से होंगी उनके घर के सदस्य अव्यवस्थित रहेंगे, अव्यवस्थित राहों पे चलेंगे, मार्ग पे चलेंगे, तो इस बात का ध्यान दें। तीसरा, रात्रि शयन करने से पूर्व अपना किचन, रसोई घर और बाथरूम बिल्कुल साफ करके सोए। यही नहीं, जिस घर में रसोई घर में और बाथरूम में एक लोटे में जल, लोटे में, ग्लास में, मग में जल भर के रख के अगर सोता है व्यक्ति और सो के उठने के पश्चात अगले दिन उस जल को किसी पौधे में डाल देता है तो इस प्रक्रिया के द्वारा घर में सुख शांति तो रहती है, माँ लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है और उस घर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई ऋण बाधा नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई कर्ज जो है नहीं बढ़ता है। अगर कर्ज है तो वह धीरे धीरे चुकने लगता है, उसका कोई ना कोई नया मार्ग जो है आ जाता है। अगला जो उपाय है, अगर घर का मुखिया सदैव मानसिक रूप से परेशान रहता है या फिर अनिद्रा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे परिस्थिति में उस व्यक्ति को व उस घर में घर के मुख्य
द्वार पे, दरवाजे पे या मुख्य दीवार पे सुंदर तस्वीर लगी हो, तो इस तस्वीर से, इसे प्रसन्न मुद्रा में तस्वीर लगी हो, चाहे आशीर्वादात्मक रूप में तस्वीर लगी हो, तो इससे उस घर के सदस्य का जो मनमुटाव वाली परिस्थितियां है या मानसिक परेशानी वाली समस्या है, इससे दूर होती है। तो आपको लगे कि आपके घर में, घर का मुखिया जो है हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, मनमुटाव जैसी परिस्थितियाँ उसके साथ बनी रहती है, या वह पीड़ित है मानसिक रोग से, तो उसके लिए आप यह प्रयोजन घर में कर सकते हैं। चौथा जो सबसे लास्ट उपाय है वो ये है कि अगर आपके जीवन में धन आ रहा है और वह अनावश्यक खर्च हो रहा है, तो इससे बचने के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा में सुंदर हरा भरा तुलसी का पौधा लगाएं। प्रातः बेला में उसे जल से और कच्चे दूध में हल्दी मिला करके उस तुलसी को सींचे, फिर पुनः जल से स्नान कराएं तुलसी को, और प्रत्येक रोज सायं बेला में घी का एक जोत जलाएं। घर के मंदिर में सुबह शाम में घी का जोत जलाएं, और दूसरा तुलसी के वृक्ष के सामने एक सायं बेला में घी का जोत जलाएं। तुलसी जो है माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है, और इससे आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। इसके अलावा एक नौकरी व्यवसाय में उन्नति के लिए मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। यह उपाय हजारों लोगों के बीच हमने शेयर किया और इससे हजारों लोगों को लाभ भी मिला है। अगर आप नौकरी व्यवसाय से पीड़ित हैं तो हमारा यह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। मंगलवार के दिन एक नींबू लेना है आपको, उस नींबू के मध्य में 5 कली वाली लौंग जो है लगा करके अपने मस्तक से सीधे तरफ से वार करना है, 3 बार या 5 बार। व्यवसाय स्थल पे है तो व्यवसाय स्थल के मुख्य द्वार से 3 या 5 बार वार करके उसे मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में उनके दाहिने पैर के पास रख दे अपनी समस्याओं को भूल के। यह उपाय आपको 5 मंगलवार करना है, लेकिन इसका प्रभाव आपको 1 से 2 मंगल में दिख जाएगा, परंतु इस उपाय को आपको 5 मंगलवार करना है, जिससे आने वाले समय में किसी प्रकार की आपके जीवन में समस्याएं ना घटित हो। तो हमारा आज का यह उपाय आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस उपाय को अवश्य करें, और वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर और कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय सियाराम।